कांग्रेस के दिग्गज नेता गिरिजा व्यास ने एक बड़ी घोषणा की है। दिल्ली में गिरिजा व्यास ने कहा कि वे इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं देने के सवाल पर कहा कि बची हुई 6 सीटों पर ब्राह्मण समाज को अवश्य ही तरजीह दी जाएगी। साथ ही कहा कि केवल जाति के आधार पर टिकट नहीं बांटे जाते, योग्य उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई है। केवल जाति से नहीं बल्कि उनकी अपनी पहचान का भी ध्यान में रखा गया। सब कुछ मिलाकर के राजस्थान में जो टिकटें मिली है वो बहुत अच्छी टिकटें हैं और हम अधिकांश सीटों पर हम जीत करके आए। और किसी भी ब्राह्मण को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है जब अभी सीटें बाकी है। अभी सीटें बाकी है और उसमें डिक्लेयर होगा, क्योंकि मैंने इस बार एक तो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है ताकि मैं ज़्यादा घूम करके और प्रचार का काम कर सकूँ। तो इसलिए एक सीट ऐसी हो गई, एक वो कम हो गए, लेकिन अभी सीटें बाकी है और ब्राह्मण कैंडिडेट भी जरूर आएगा, ये बात हमने पहुँचा दी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।